कर्पूरी चौक के समीप एम्स निर्माण को लेकर के एमएसयू करेगा शिलान्यास। एमएसयू के द्वारा एम्स में हुई देरी के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए सांकेतिक शिलान्यास सह आंदोलन करने जा रही है। विगत 1 अगस्त रविवार से एमएसयू ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए गांव-गांव जाकर ईंट जमा करना शुरू किया था। इसी कड़ी में अब आगे एमएसयू 8 सितंबर को दरभंगा एम्स संबंधित आंदोलन को मूर्त रूप देने जा रहा है। वहीं एम्स आज तक इंतजार में है दरभंगा का, जो सरकार नेता और पार्टियों बार बार घोषणा करती रहती है, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। इसलिए एमएसयू ने तय किया है कि खुद जनता दरभंगा का एम्स का जो है शिलान्यास करेगी। जैसे कि 8 तारीख को हम लोगों ने घोषणा किया था कि 2015 में दरभंगा के लिए एक एम्स का अनाउंसमेंट हुआ था, अरुण जेटली जी ने किया था। 6 साल हो गया है और आज तक एक ईंट भी नहीं जोड़ा गया है। ईंट की तो बात छोड़िए, जमीन तक अभी जो है एम्स निर्माण एजेंसी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके विरोध में हम लोगों ने यह निर्णय लिया था 1 अगस्त को कि हम जनता शिलान्यास करेंगे, और हम लोगों ने ये नारा दिया था कि घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे। इसके संदर्भ में हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था कि हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोगों ने हमें ईंटा दिया है, हम उस ईंटा को लेकर जाएंगे और जहां पे एम्स बनना है प्रस्तावित स्थल पर ईंटा को रखेंगे, भूमि पूजन करके हम सांकेतिक शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसका ये कॉपी है आप सबों को दे दिया जाएगा। और तो हमारी प्रशासन से वार्ता भी चल रही है और प्रशासन ने कहा है कि अगर आप शिलान्यास करेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता बुलाया है कि अब जो हम लोगों ने अनाउंस तो कर दिया है, करना है, और हमारे जितने भी हैं हर गांव-गांव में हम जाके लोगों को हमने बताया है कि हम शिलान्यास करेंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम शिलान्यास करेंगे। हम प्रशासन से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि हम गांधीवादी तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं, सांकेतिक शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इसलिए करने जा रहे हैं ताकि सरकार जगे, क्योंकि सरकार को ये समझना होगा कि दरभंगा, जिस समय भारत में मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं होती थी सही तरीके से, उस समय दरभंगा में अफगानिस्तान से, बंगाल से लोग इलाज करवाने आते थे, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हम लोगों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है, यहाँ की महिलाओं को अपना गहना बेचना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए, लोगों को जमीन बेचना पड़ रहा है। करेंगे अनूप मैथिल, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हजारों की संख्या में ईंटा हम लोगों ने कलेक्शन किया है और गांव-गांव में ईंटा कलेक्शन किया है, और हजारों की संख्या में हम लोग ईंटा लेकर आने वाले हैं। 8 तारीख को, 8 सितम्बर।